सारे के सारे चीज़ें इसी वीडियो के अंदर है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी लाजमी से फॉलो कर देना। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें भाई रिलीज डेट की, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई 15 पे, अगले मंथ की 15 तारीख पे सुबह सात बजे तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आजकल जो है ना क्रेट अवेलेबल होते हैं 5 बजे पे। तो अब 5 बजे जो है ना पाकिस्तानी टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 5 बजे पे हमें देखने को मिल सकता है न्यू प्रीमियम क्रेट। ठीक है, ये हो गया इसका रिलीज डेट। तो अब इसके लिए कुल मिलाकर 16 दिन और भी रहते हैं, एक जो है ना इसके ऊपर टाइमर चलता है, तो टोटल जो है ना 17 दिन हम इसको बोल सकते हैं। फिर भी अगर इसके डेट वगैरह में कोई चेंजिंग होता है तो किसी भी वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ को मेंशन लाजमी से करूंगा। तो अब आते इधर जो है ना एक बार भाई प्रीमियम क्रेट ही चेकआउट कर लेते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि आपके पास इस टाइम पे कितने प्रीमियम के क्रेट्स पड़े। अगर मैं खुद की बात करूँ तो यार मेरे पास इस टाइम कुछ ज़्यादा ही कम पड़े, क्योंकि अचीवमेंट उस टाइप के हैं नहीं भाई जो मैं कंप्लीट करना चाहूँ और मुझे मिल जाए भाई प्रीमियम के क्रेट। अगर किसी बंदे के रहते हो तो वो उठा सकते हो। तो अब आते हैं भाई इधर जो है ना चीज़ों की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रीमियम क्रेट के अंदर, एक ये वाला मिथिक हेडगियर हमें देखने को मिल जाएगा। जैसा कि प्रेम के थ्रू हम देख रहे थे कि भाई पंडा टाइप का सिट आ रहा है, तो ठीक वैसा ही वही वाला सीन हुआ है, पंडा टाइप का ही सिट हमें देखने को मिल गया। तो अब इसके ऊपर जो है ना पांडा साइड पे इधर भी दिया है, और इसके हेडगियर पे भी पांडा है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। पांडा टाइप तो अलग होते थे सिट, तो इन्होंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही चेंजिंग किया है। फिर उसके बाद एक पांडा वाला हेलमेट हमें देखने को मिल जाएगा, ये भी सही है, नॉट बैड है, ये लेवल 2 हो गया इसका। और फिर उसके बाद अगर बात करें लेवल 3 की, ये लेवल 3 हो गया इसका, गोल्डन पांडा हम इसको बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें भाई अपग्रेडेबल के साथ, जो हमें एक और लेजेंडरी नॉर्मल साइज गन देखने को मिलता है वो होगा इसकेस, और एक जो है ना ये वाला स्मोक स्किन है, ये तो किसी भी काम के नहीं। ठीक है, अगर इसका स्मोक अलग होता तो फिर मज़ा आ जाता, मगर वैसा कोई सीन तो होता ही नहीं। तो उसके बाद अगर बात की जाए भाई स्केस की, मोटर टाइप का स्केस है, नॉर्मल सा एक स्केस, एक लेजेंडरी स्किन है, कलेक्शन के लिए अगर बंदे रखना चाहता है तो रख सकते हैं, ये हमें देखने को मिल जाएगा। और दिल के अरमान आंसुओं में बह गई है, तो वही वाला सीन है भाई, एकेएम तो नहीं आए, उसके जगह पे कार्नाइटिटी हमें देखने को मिल रहा है। कौन कौन इसका क्रिएट ओपनिंग करने वाला है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, और मैं तो लाजमी करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है उस दिन पे वीडियो भी अपलोड करनी होती है। तो देख लेते हैं कि भाई कितने दफ़ा हमारा निकल जाता है ये वाला कार्नाइटेट। और इसका किल मैसेज नोट बैड है, और फिर उसके बाद एक जो है ना ऑर्नामेंट है, और फिर उसके बाद इसका लूट क्रेट है। ऑलरेडी मेरे पास वो गुडजेला वाला पड़ा है, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो है ना इधर बैकपैक ऑर्नामेंट हमें देखने को मिल जाता है, तो किसी भी काम की ये चीज़ें होती नहीं। फिर उसके बाद इसके अटैचमेंट्स वगैरह ये सारे के सारे हमें उसी क्रेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जितने भी अटैचमेंट्स आते हैं गन के साथ। और सिट जो है ना सिट एक हिसाब से सही अगर निकल आ जाए, और ये जो है ना इसका प्रेम है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भाई प्रेम जिस टाइप का है ना उसी टाइप का ही हमें क्रिएट भी देखने को मिलता है, तो पांडा टाइप का क्रिएट ही हमें देखने को मिल गया। तो अब आते हैं भाई इम्पोर्ट्स एक्सचेंज से रिलेटेड ही बातचीत कर लेते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें वगैरह। सबसे पहले इधर देखो, तो अब ये वाला जो है ना हमारा पहला वाला अल्टीमेट है, ठीक है, जो अगले मंथ के भाई 27 तारीख पे हमें देखने को मिल सकता है, या फिर 21 तारीख। ठीक है, अभी तक जो है ना ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, इंशाल्लाह फिर बाद में चेकआउट करेंगे। और इसके 3D लीक्स भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिलीज डेट वगैरह सब कुछ हम चेकआउट करेंगे, फिर किसी भी वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ मेंशन कर सकता हूँ। तो अब अगर बात करें भाई अल्टीमेट जो है ना अभी तक दोनों के दोनों अवेलेबल नहीं है। और बैकपैक है अगर बात करें, ये जो है ना इसका एक मिथिक बैकपैक है, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3, नोट बैड है, थोड़ा बहुत वाहियात टाइप का लुक देता है मगर फिर भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद इमोट की अगर बात की जाए, नॉर्मल सा इमोट है, अभी तक जो है ना ये चीज़ अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, एक जो है ना दो अल्टीमेट हो गए और एक जो है ना इमोट है, अगर ये इमोट आ जाए ना अपने मोशन में भाई ये नेक्स्ट लेवल है। फिर उसके बाद दो अपग्रेडेबल थ्रोएबल हमें देखने को मिल जाएंगे, मलोटो का स्किन भी होगा अपग्रेडेबल, अगर आपका इम्पोर्ट 16 किल मैसेज तक होता है फिर लूट क्रिएट तक ये ऑलरेडी होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें भाई ग्रेनेड का स्किन भी होगा, ठीक है, मतलब एक तीर से दो शिकार हो गए, ग्रेनेड भी तुम्हारा होगा इसी किल मैसेज के साथ और मलोटो का स्किन भी होगा, तो ये चीज़ लाजमी से याद रखना।
इसमें 416 के साथ जो है ना भाई दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप सारे के सारी चीज़ें निकालते हो ना, तो ये प्रेम हो गए और इसका अवतार हो गया, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और ये हो गई इसकी पॉपुलरिटी। तो अब अगर कोई बंदा निकालना चाहता है तो भाई वैसे शॉप के अंदर फिर वो चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो अब इम्पोर्ट्स एक्सटिंग की अगर बात की जाए, इसके किल मैसेज वगैरह और लूट क्रिएट वगैरह सारे के सारे हम इधर चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम किल मैसेज को देखें, ओए होए भाई साहब, ये तो एकदम जहर लग रहा है यार ये वाला किल मैसेज। और यही किल मैसेज होगा ग्रेनेड के साथ भी, और मोटो तो हम बोल सकते हैं ना मोली के साथ भी ये चीज़ होगा। और ये जो है इसका लूट क्रिएट है, लूट क्रिएट भी दोनों के साथ होगा, और ग्लोरियस मोमेंट तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ये इसका लूट क्रिएट है और इससे पहले जो था वो ग्लोरियस मोमेंट था। ये जो है ना ये लेवल 8 तक होगा, ये अपग्रेडेबल गन लाजमी से याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर जो रहता है वो होता है भाई ऑन हिट इफेक्ट, ज़रा इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ऑन हिट इफेक्ट वे आर नॉट बैड है, ऑन हिट इफेक्ट इसका सही है, आजकल जो है ना ऑन हिट इफेक्ट सही आ रहा है। तो अब ये कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि भाई इम्पोर्ट सेक्शन कैसे लगा, ये लाजमी से बता देना भाई। इम्पोर्ट सेक्शन तो नेक्स्ट लेवल है, और इसका जो फाइनल प्रोम है ना वो भी हम लोग इधर देख सकते हैं, एडवांस प्रोम होगा। और उसके बाद ये जो है ना इसका फाइनल प्रोम है, और ये जो है ना इसका लूट क्रिएट है, और ग्लोरियस मोमेंट जो है ना इस टाइप का होगा, और ये गन जो है ना ये कुल मिलाकर लेवल 8 तक होगा। तो बात है इधर एक और चीज़ भी चेकआउट कर लेते हैं, जो मिथिक पोर्च के अंदर एक सेट है जो मैंने कहा था कि इसके साथ इमोट नहीं हो सकता, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। दो जो है ना ये वाले आइटम हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला इस सेट की मैं बात कर रहा था, इसके साथ इमोट नहीं होगा जो व्हाइट वाला है, और ये जो है ना गिली लॉयन के नाम से जो ये वाला सेट, इसका इमोट तो नेक्स्ट लेवल है, मैं सही बता रहा हूँ। ये तो उसी दिन पे ही मैं कोशिश करूंगा निकालने की, वैसे मेरे पास पड़े भाई क्रिस्टल कुछ ज़्यादा ही पड़े। और ये जो है ये उसी का स्किन है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि 4 पे हमें देखने को मिल जाएगा, और ये जो है ना शॉर्टकट का स्किन 3 पे हमें देखने को मिलेगा। और M16 पोर की अगर बात की जाए, ये वाला स्किन हमें देखने को मिलेगा, और ये होगा कुल मिलाकर 4 क्रिस्टल पे, ठीक है, जो इसके क्रिस्टल होते हैं मिथिक पोर्स के जो एम्ब्लेम होते हैं। तो अब आते हैं भाई इधर जो है ना एनिवर्सरी क्रिएट के अंदर हमें पूल द पूल इम्पोर्ट्स एक्सचेंज जो है ना हमें देखने को मिल जाएगा, और एक जो है ना स्कारल मिल जाएगा ड्रॉप द बोस के नाम से जो है, और उसी के साथ साथ यार ये तो नेक्स्ट लेवल। ये कल वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ें मैंने तुम लोगों को दिखाए थे कि ये आ रहे हैं, मतलब उस टाइम पर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुए थे कि किस किस जगह पे ये आ रहे, कस्टम क्रेट के अंदर आ रहा है या फिर अलग अलग क्रेट में आ रहा है। अभी जो ना ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, एक जो ना ये पेन का स्किन है और एक जो ना ये UMP का स्किन हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसका क्रिएट जो है ना अलग होगा, ठीक है। एनिवर्सरी क्रिएट के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई कस्टम क्रिएट के अंदर कौन से आइटम्स आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। एक जो है ना ये वाला है और एक जो है ना ये वाला है, और इनके साथ जो है ना पोज भी होता है और इमोट भी होता है, ये चीज़ याद रखना। ये जो 8 मिथिक होते हैं ना वो फिर से हमें देखने को मिल जाते हैं यार ये वाला नेक्स्ट लेवल है, फिर से हमें देखने को मिल जाता है कस्टम क्रिएट के अंदर, ये वाला इमोट नेक्स्ट लेवल है। और फिर उसके बाद इसका लास्ट वन भी चेकआउट कर लेते हैं, वैसे इसकी चीज़ें जो है ना फिर बाद में मैं किसी और वीडियो के अंदर भी मतलब A to Z सब कुछ दिखा सकता हूँ। यार ये तो एकदम जहर है, ये स्मोक वाला जो है ना ये एकदम जहर है, ये रिंग पुश के टाइम पे भी हमारा काम आ सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं भाई दूसरा जो क्रेट है ना, जो द पूल सेट हमें देखने को मिलता है, वो होगा एक अलग से क्रेट के अंदर। 1:10 एनिवर्सरी वाले आइटम्स भी हमें उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। और ये हो गया 1:10 एनिवर्सरी वाला, और उसी के साथ साथ द पूल सेट हो गया, और इसका जो मास्क है वो भी हमें देखने को मिलेगा। और जो कल मैंने बताया था कि जो जोकर दूसरा वाला जोकर सेट है ना, तो उसके भी चांसेस 50% है कि हमें देखने को मिल जाए, तो ये भी हमें देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ये वाला जोकर सेट भी हमें देखने को मिल जाएगा, ये तो भाई बढ़िया काम हो गया, मतलब एक तरफे कुछ ज़्यादा ही शिकार हो गए। अगर कोई बंदा निकालना चाहता है या फिर जो बंदे कलेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, उन बंदों के लिए चीज़ ही है। और ये फीमेल वाला भी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और भी चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमें और भी देखने को मिल जाते हैं। एक जो है ना ये वाला रेड सेट हो गया, ओके ये नॉट बैड है। और उसी के साथ साथ ये दो जो है ना सस्ते वाले मिथिक भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी भाई सारे के सारे चीज़ें जो न्यू अपडेट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंशाल्लाह वो भी चेकआउट कर लेंगे। और कोई चीज़ तो रहता ही नहीं, जो अपडेट वगैरह हमारे रहते हैं या फिर जो कुछ सस्ते आइटम्स हमारे रहते हैं वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसके ऊपर अगर कुछ और लीक्स मेरे हाथ लगते हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं तुम लोगों के साथ लाजमी से शेयर करूंगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना, और अगर चैनल पर आना हो तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।